नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा जहां मैंने लिखा है कि बस एक दिन और फिर होगा कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव। कल रात्रि जब आप नए साल का स्वागत कर रहे होंगे तभी आपकी कुंडली के धन भाव के स्वामी, वाणी भाव के स्वामी, कुटुंब परिवार के स्थान के स्वामी, साथ ही आय और डिजायर्स के स्वामी सीधी चाल चलना प्रारंभ करेंगे। आप समझ सकते हैं कि जब आपकी कुंडली का कारक ग्रह और धन कारक ग्रह अगर उल्टा चलता है तो जीवन में धन की स्थितियां सुव्यवस्थित हो ही नहीं पाती। किंतु कल रात्रि को जब आप नए वर्ष का स्वागत करेंगे उसी समय से देवगुरु बृहस्पति आपके धन के कारक ग्रह सीधी चाल चलना प्रारंभ करेंगे और बेहद सुंदर अवस्था में ये गणना आपके लिए सिद्ध होगी। शनि महाराज आपके लग्न में विराजित हो चुके हैं, ये वक्री से मार्गी हो गए हैं और अब आपके धन के कारक देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं। क्या क्या लाभ देखने को मिलेंगे तो पिछले समय में आपने देखा धन की स्थितियां बार बार आप अपने पक्ष में लाने का प्रयास करते रहे और वो आपसे विपरीत होती रही। आय में वृद्धि करने का निरंतर आप प्रयास करते जा रहे हो किंतु आय में वृद्धि नहीं हो रही अपितु डाउन की स्थिति का योग बनकर आ रहा है। अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आप यथा कथित प्रयास कर रहे हैं किंतु डिजायर्स पूर्ण नहीं हो पा रही है। किंतु जब धन का और डिजायर्स का स्वामी सीधी चाल चलेगा तो अब आपके लिए सबसे पहली गणना जो बनकर आती है धन से संबंधित जो कार्य रुके हुए थे, बार बार आपको लग रहा था कि अब ये कार्य हो ही जाएगा और फिर उसमें रुकावट आ रही थी तो उस रुकावट का सीधा प्रयोजन आपके जीवन में प्रयास करता हुआ पाया जाएगा। यहां पराक्रम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, मेहनत तो आपसे करवाएंगे, इसमें तो किसी प्रकार का संकोच नहीं है, किंतु धन से संबंधित जो बार बार 99 पर जाकर शून्य पर आ जा रहे थे वो रास्ते अब आपके लिए खुलने जा रहे हैं और मेहनत हर व्यक्ति करने को तैयार है बशर्ते उसका रिजल्ट आ जाए। यहां से देवगुरु बृहस्पति की स्थिति पंचम दृष्टि के स्वरूप में आपके सप्तम भाव को देख रही है। ये क्या संकेत दे रहा है तो जीव कारक ग्रह, ये हमारे जीवन को चलाने वाले ग्रह हैं और जब ये सीधी दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे ये दैनिक रोजगार की स्थितियों को आपके लिए सुव्यवस्थित करेंगे। पार्टनरशिप में यदि आपको किसी प्रकार का तनाव देखने को मिल रहा है, पार्टनरशिप में लॉस चल रहा है, पार्टनरशिप में अंडरस्टैंडिंग मैनेज नहीं हो पा रही है, वो पार्टनरशिप की स्थितियां आपके पक्ष में चलना प्रारंभ होंगी। देवगुरु बृहस्पति की सीधी दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू चल रहा है, आपके दाम्पत्य जीवन के स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थितियां आपको चिंताग्रस्त कर रही है, उससे भी आपको निजात मिलेगी। अब आप देखिएगा जो व्यापारिक यात्राएं आप करेंगे इन व्यापारिक यात्राओं में आपको सफलता मिलना तय हो जाएगा। छोटे भाई बहनों से जो आपको अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे थे वो समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। धन का कारक ग्रह जब भाग्य स्थान को देखता है तो मेहनत के अंदर आपके लिए भाग्य को जोड़ देता है और कुछ इसी प्रकार की अनुभूति 1 जनवरी वर्ष 2024 के पहले दिन से ही आपके लिए एक्टिवेट होने जा रही है, जहां आप देखेंगे कि आपके द्वारा जो मेहनत की गई अपनी आय में वृद्धि के लिए, अपनी डिजायर्स को पूर्ण करने के लिए, धन की स्थितियों को पुष्ट करने के लिए, उसमें भाग्य आपका साथ दे रहा है। अब यहां पर यात्राओं की स्थिति के योग बहुत ही सुगम रूप से आपके पक्ष में आते हुए दिखाई देंगे। आप विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं, आप अपने प्लेस से कहीं अन्यत्र यात्रा करना चाह रहे हैं, वो बहुत अच्छी मेमोरीज को एक्टिवेट करेगा। पिता का स्वास्थ्य पुष्ट होगा, पिता से संबंधित अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं वो समाप्त हो जाएंगे। धार्मिक कार्यों में आपको रुचि जागृत होती हुई दिखाई देगी। यहां से नवम दृष्टि 7 यहां तक हुआ, 8 और 9 नवम दृष्टि से जब देवगुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव को देखेंगे, और ये एकादश भाव है क्या तो ये गुरु महाराज का स्वयं का घर है और स्वयं के घर को देखते हुए ये आपकी आय में भी बहुत अच्छे योग बनाकर दे रहे हैं। एक से अधिक आय के स्रोत आपके लिए निर्मित कर दे।
आपकी डिजायर्स जो काफी समय से पूर्ण नहीं हो पा रही थी, उन डिजायर्स को पूर्ण करने का जिम्मा देवगुरु बृहस्पति अपने हाथ में लेंगे। बड़े भाई बहनों का सहयोग आपके पक्ष में बनकर आएगा और स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थितियों में भी जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे थे वो समाप्त होंगे। धन का फ्लो अब देवगुरु बृहस्पति की कृपा से कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में करने जा रहा है नए साल से प्रवेश। अब प्रश्न उठता है कि क्या सभी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये फलादेश समान होगा? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि हर ग्रह, जो भी कार्यक्रम आप देख रहे हो, ये अपने कुंडली में प्लेसमेंट के आधार पर आपको फल देता है। अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में लग्न से छठवें घर में, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लग्न से छठवें घर में है, लग्न से आठवें घर में है या लग्न से बारहवें घर में है, आपकी कुंडली की स्थिति ये बता रहा हूं, झटपट अपनी कुंडली खोलकर देख लीजिए। लग्न से छठवें, आठवें या बारहवें घर में देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में विराजित हैं, तो ये आपको चाहे वक्री हो जाए चाहे ये मार्गी हो जाए, इनका श्रेष्ठ शुभ फल आपको देखने को नहीं मिलता। किंतु वहीं दूसरी तरफ इन चार स्थानों को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति चाहे जहां आपकी कुंडली में बैठे हों, 1 जनवरी से देवगुरु बृहस्पति जो धन के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, यश मान और प्रतिष्ठा के कारक हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ी राहत का योग प्रदान करने जा रहे हैं। 4 महीने 23 दिन तक आपके लिए मेहनत अधिक बढ़ेगी, किंतु आपके धन की स्थितियों के, यशमान प्रतिष्ठा की स्थितियों की एक्टिवेशन सकारात्मक दृष्टिकोण में आपके जीवन में प्रवेश करेगी। उसके पश्चात जब ये आपके लिए चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, यहां से तो 12-25 करना इनका तय है, किंतु यहां तक की स्थितियां भी जो पिछले समय में 140 दिनों तक आपके जीवन में धन की स्थिति का अभाव बना रहा, वो अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक सलाह और देना चाहूंगा, किसी अच्छे ज्योतिषविद से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा लीजिए, नया साल भी आ रहा है, और पूरा प्रेडिक्शन लेने के पश्चात उनसे एक सवाल जरूर से पूछिएगा कि मेरी कुंडली के वो कौन से ग्रह हैं जो आपकी कुंडली में शुभत्व फल देने की बाध्यता रखते हैं, वो कौन से ग्रह हैं जो कभी भी आपको शुभ फल नहीं दे पाएंगे। अगर अपनी कुंडली में स्थित नव ग्रहों की गणना को आप समझ लें कि कौन कौन से मेरी कुंडली के कारक ग्रह हैं और कौन कौन से अकारक ग्रह हैं, तो आप कभी भी किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर ये नहीं लिखेंगे कि हमारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि आपको पता होगा कि किस ग्रह के राशि परिवर्तन से मेरे जीवन में बहुत अच्छे बदलाव आने वाले हैं और किस ग्रह के राशि परिवर्तन से मेरे जीवन में कोई बड़े बदलाव नहीं आएंगे, अपितु अगर कोई नॉन फेवरेबल ग्रह 6, 8, 12 में गया, नीच में गया, तो ये मेरे लिए सावधानी भरा समय रहेगा। 2024 की स्थितियों को और सिद्धि स्वरूप में यादगार बनाने हेतु आपके लग्नेश शुद्धिकरण में आपके लग्न में आ चुके हैं शनि महाराज की आराधना कीजिए, बेहद सुंदर अवस्था के लाभ देखने को मिलेंगे और ये वर्ष भी शनि का ही है और शनि इज मनी ये कहने पर आपको ये वर्ष बाध्य कर देगा यदि शनि की आराधना आप अच्छे से करते हैं। ओम शन शनेश्वराय नमः का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना और शाम के समय में ये प्रावधान निरंतर 1 जनवरी से प्रारंभ कीजिए, आपके लिए बेहद सुंदर गतिविधि में 2024 देगा बहुत बड़ा लाभ। वर्ष 2024 आप सभी का मंगल हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा चाहूंगा। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।